कांग्रेस को एक बड़ा झटका और लगा है क्योंकि अमरवाड़ा के विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए। पहले तो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद ये लोग शामिल हो रहे थे, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हो रहे थे, लेकिन अब तो विधायक शामिल होने लगे। बिल्कुल, और तीन बार के लगातार विधायक है और काफी करीबी थे कमलनाथ के, लेकिन कुछ घंटों पहले अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से कांग्रेस पार्टी का नाम हटाया। उसके बाद से लगातार कार्यकर्ता संपर्क भी उनका टूट गया था और ये तस्वीर भी सामने आई जब भोपाल पहुंचे थे वो, तो कमलनाथ के घर में ये बड़ा झटका। 7 विधानसभा सीटें हैं जिनमें सभी 7 सीटें कांग्रेस के पास है और इसमें एक सीट अब कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ चली गई या वहां के जो MLA हैं वो चले गए हैं। कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए। CM डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कमलेश शाह को सदस्यता दिलाई, प्रवेश करवाया। वासु चौरे भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, एक बड़ी खबर, ये लगातार झटके पर झटका देने का काम, लेकिन अभी तक वही हम कह रहे थे कि पहले तो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद शामिल हो रहे थे, लेकिन अब तो सिटिंग MLA भी जाने लग गए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। छिंदवाड़ा यानी कि कमलनाथ का गढ़, कांग्रेस का गढ़। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस हर जगह चुनाव हार गई थी, महज एक सीट थी जहां पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। विधानसभा चुनाव अगर पिछले आप देखें तो 163 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसी छिंदवाड़ा में, उसी कमलनाथ के गढ़ में अब बड़ी सेंध लग गई है। कांग्रेस के एक सिटिंग MLA जो है वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कुछ देर पहले CM हाउस में जब तमाम नेता यहां पर अंदर मौजूद थे, चाहे VD शर्मा हो, मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ये सारे लोगों की मौजूदगी में कमलेश शाह भी अंदर पहुंचे थे और उसी दौरान ये पूरी रणनीति बन चुकी थी कि वो बीजेपी में आएंगे। हालांकि पहले से बीजेपी के वो संपर्क में चल रहे थे और अब आखिरकार इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि कमलेश शाह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वो बीजेपी ऑफिस यहां से पहुंचने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस में आधिकारिक रूप से उन्हें पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलाई जाएगी और तमाम जो एक औपचारिक होती है वो पूरी की जाएंगी। और देखने वाली बात यह होगी कि अब कमलेश शाह के साथ और कितने नेता छिंदवाड़ा से आते हैं और बीजेपी का दामन थामते हैं। लोकसभा चुनाव के एंड पहले छिंदवाड़ा में ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा झटका है, क्योंकि दूसरी बार लगातार नकुल नाथ, कमलनाथ के बेटे, वो छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी का जो ज्वाइनिंग अभियान है वो लगातार चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया इस जानकारी। बहुत प्रतिष्ठित परिवार से हैं, हरई जागीर का एक इतिहास है पर्यावरण का। वो तीसरी बार के विधायक हैं, उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्य प्रणाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, उनका हृदय से स्वागत है, मैं बधाई देता हूँ। और अब बात खरगोन की करते हैं, जहां अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी मात्रा में यहां से मिले हैं अवैध हथियार। दरअसल चुनाव का वक्त है और ऐसे में पुलिस ज्यादा सक्रिय है। 27 देसी पिस्टल समेत 32 अवैध हथियार जब्त किए गए। अवैध हथियार बनाते एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। दरअसल सिकलीगरों का यह क्षेत्र है जहां पर अवैध रूप से हथियार बनाए भी जाते हैं और इनकी सप्लाई भी की जाती है, और पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। तो सिगनूर गांव में नर्सरी फालिया में पुलिस का ये एक्शन, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वो हथियार जो यहां पर अवैध तरीके से बनाए जा रहे थे और उन्हें जब्त किया है पुलिस ने। इस फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। लोकसभा चुनाव के पहले अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर खरगोन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नवगत पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना जी हमारे साथ मौजूद। सर, ये किस प्रकार की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई? आज सुबह ही मुखबिर से सूचना मिली और खरगोन पुलिस के थाना गोगावा के पास में अहिरगावा चौकी है और वहाँ सिगनूर विलेज के पास में एक नर्सरी फालिया है। मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ लोग वहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण कर रहे हैं और संभवतः आने वाले समय में इन अवैध हथियारों को किसी व्यक्ति को बेचेंगे। मुखबिर की सूचना पे हमारी पूरी पुलिस की टीम गठन करके हमने भेजी और मौके से हमको 27 कंट्री मेड पिस्टल्स पूर्णतः बनी हुई मिली। ये सभी ऑटोमेटिक पिस्टल्स हैं और साथ ही कुछ हथियार हमको आधे बने हुए मिले जिनको संबंधित व्यक्ति बना रहा था और बनाने की बहुत सारी सामग्री भी मिली। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए खरगोन पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है
और इन अवैध हथियारों को कई सारी जगह खपा कर अशांति फैलाई जा सकती थी, तो खरगोन पुलिस ने त्वरित तत्परता से कार्रवाई करते हुए इन हथियार बनाने वाले व्यक्ति को भी पकड़ा है और साथ ही में निर्माण करने वाली पूरी सामग्री के सहित सारे वेपन को भी हम लोगों ने जब्त किया। कुल मिला के पुलिस की बड़ी कार्रवाई है, फैक्ट्री का भांडाफोड़ भी हुआ, 27 अवैध हथियार जब्त किए गए। लोकसभा चुनाव के पहले ये पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18, खरगोन। ऑपरेशन थिएटर में शिव भजन के साथ एक बच्चे का जन्म हुआ। जी हाँ, सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो लेकिन ये सच है। शायद ये पहली बार ही है जब एक तरफ ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में ही एक महिला भजन गा रही थी। पूरी रिपोर्टिंग। ऑपरेशन थिएटर में शिव भजन। शिव भजन सुनकर पैदा हुआ बच्चा। डिलीवरी के दौरान महिला ने गाया भजन। डॉक्टर और स्टाफ ने भी गाया भजन। दर्द से तड़पती प्रसूता, एक तरफ ऑपरेशन और दूसरी तरफ शिव भजन। जी हाँ, ऑपरेशन थिएटर में कुछ ऐसा ही नजारा दिखा। एक सास अपनी बहू को शिव भजन गाकर हिम्मत दे रही थी, वो बहू जो दर्द से कराह रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे ताकि डिलीवरी हो जाए। दर्द तो दर्द होता है, लेकिन उस दर्द को सहन करने की शक्ति एक सास अपनी बहू को दे रही थी। शिव भजन के साथ ही महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद दादी का चेहरा खिल गया। उधर डॉक्टर भी कहने लगे, ये पहला बच्चा होगा जिसका जन्म शिव भजन के साथ हुआ है। ऑपरेशन थिएटर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग भी बड़ी संख्या में दादी और डॉक्टर्स की टीम की तारीफ कर रहे हैं। तारीफ हो भी क्यों ना, सास ने अपनी बहू का हौसला भी कुछ इसी तरह से बढ़ाया। बच्चे के जन्म के बाद माँ और दादी दोनों के चेहरे खिल गए। वास्तव में ये डिलीवरी अपने आप में अनोखी है। शायद ही पहले ऐसी कोई डिलीवरी हुई। उज्जैन से अजय पटवार, न्यूज 18। अच्छी रही लेकिन आंटी। अब आपको भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी आईसर की कामयाबी के बारे में बताते हैं। दरअसल आईसर ने एक ऐसी बैंडेज बनाई है जो चोट या किसी घाव को 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक कर देंगे। वैसे तो इस तरह के घाव को ठीक होने में करीब 15 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये बैंडेज बहुत कम समय में घाव को हील कर देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे किसी भी तरह के संक्रमण का कोई खतरा भी नहीं होता। भोपाल के आईसर ने किया कमाल, अब जल्द ठीक होगा बड़े से बड़ा घाव। नैनो पार्टिकल बैंडेज से ठीक होगा घाव, बैंडेज से संक्रमण पर भी लगेगी रोक। भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च यानी आईसर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईसर ने एक ऐसा फॉर्मूलेशन तैयार किया है जिससे घाव को जल्दी भरने में मदद मिलेगी। चूहों पर इस दवाई का प्रयोग सफल रहा। आईसर ने नैनो पार्टिकल आधारित बैंडेज बनाया है। दावा किया जा रहा है कि आमतौर पर जिस घाव को भरने में 15 दिन का समय लगता है, वो इस बैंडेज की मदद से 3 से 4 दिन में भर जाएगा। कि इस बैंडेज को एक तरीके से स्मार्ट बैंडेज भी कह सकते हैं। ये बाकी बैंडेजेस से अलग होगा
क्योंकि ये एक एडेसिव बैंडेज होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा और ये गम की तरह काम करेगा। आपको सिर्फ इसे एक बार लगाना है और आपका जो भी गहरा सा गहरा घाव है वो 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे जो निशान है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अब बात आती है आखिर इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। डॉक्टर्स की माने तो ये फॉर्मुलेशन बैंडेज के जैसा है, इसे चोट या घाव पर चिपकाना होगा। डॉक्टर समीर भाटी की माने तो ये इको फ्रेंडली बैंडेज होगा। ये सर्जरी डाकों के लिए भी काफी कारगर साबित होगा और इसका इस्तेमाल मेडिसिन एप्लीकेशंस में, डेंटिस्ट्री में और इसके अलावा अगर देखें इसका उपयोग ऑर्थोपेडिक जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे प्लास्टर हो गया जिसमें बोन्स को रिपेयर करने में इन्हेंसमेंट हो और साथ ही जो स्यूचर्स होते हैं टाके लगाने, स्टेपल्स हो गए, वायर हो गई जो घाव को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वहां इसका उपयोग किया जा सकेगा। और ये ड्राई मतलब सूखी और गीली सतह दोनों पर काम करेगी। ये फॉर्मुलेशन नैनो पार्टिकल आधारित है, ये घाव ठीक करने के साथ साथ संक्रमण भी रोकता है। उधर कहा जा रहा है कि आईसर में दवाओं पर रिसर्च के लिए बंदर और कुत्तों का उपयोग इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। 2 साल पर इस पर पूरी तरीके से रिसर्च किया जा रहा था। डॉक्टर्स का कहना है जो सर्जरी होती है या जो ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें स्टिचेस लगते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है और ये बाकी बैंडेजेस से अलग होगा। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए फराह खान। कला और हुनर क्या होता है, आज आपको उसकी मिसाल बताते हैं। एक बच्ची जो जन्म से ही दिव्यांग थी, हाथ नहीं है फिर भी ऐसी पेंटिंग करती है जिसे देखकर आप भी कायल हो जाएंगे और जो लोग हैं वो भी उसकी पेंटिंग के दीवाने हैं। हर कोई उसके हुनर की तारीफ करता नहीं थकता। ये बच्ची है ग्वालियर की, नाम है खुशी और खुशी की तमन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की है। दिव्यांग के हुनर का कमाल, खुशी की पेंटिंग कला को सलाम। पीएम से मिलना खुशी की तमन्ना। मत फिक्र कर अपने हाथों की लकीरों का, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। ये लाइन ग्वालियर की खुशी के लिए हैं जो दिव्यांग हैं लेकिन उसकी कला बेहद अद्भुत है। जब वो ब्रश से पेंटिंग करती है तो उसकी कला आपका दिल जीत लेगी। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं तो इन तस्वीरों को देखिए। कैसे खुशी पेंटिंग बना रही है, हाथ नहीं है लेकिन मुंह में ब्रश दबाकर वो कलाकारी करती है। मुझे चिंता रहती थी क्योंकि एक तो बेटी है तो इसके साथ में और बच्चे जैसे नॉर्मल हैं तो उनको देखते हुए मुझे इसकी बहुत चिंता रहती थी। जैसे जैसे ये बड़ी हुई है, 7-8-9 साल की थी तब से इसने, क्योंकि इसकी छोटी सिस्टर थी वो ड्राइंग करती थी, पढ़ती थी, तो इसको भी थोड़ा उसकी रुचि हुई और इसने ड्राइंग जब की है तो इसकी जब कला धीरे धीरे निखार के आई थी तो मुझे यकीन हो गया बेटी पे कि जरूर बड़े होकर कुछ ना कुछ करेगी। खुशी जन्म से ही दिव्यांग है, अक्सर वो तनाव में रहा करती थी लेकिन पेंटिंग के हुनर ने उसे अलग पहचान दी है। खुशी का कहना है कि दिव्यांगता शारीरिक नहीं मानसिक बीमारी होती है। कि अब मानसिक से हाथ पैरों से विकलांग नहीं होते, मानसिक मतलब दिमाग से होते हैं। अगर आप कोशिश करते हैं जो आपकी कला है उस कला को आप निखार रहे हैं तो आप एक दिन बहुत आगे जा सकते। पेंटिंग के जरिए अपने हुनर से सबको दीवाना बनाने वाली खुशी की एक तमन्ना है। खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी बनी हुई पेंटिंग भेंट करना चाहती है। सिंगल पेंटिंग कई तरीके की है, जैसे मैंने मोदी जी की भी की है और मेरा सपना यही है मैं मोदी जी को उनकी पेंटिंग भेंट करूं। उन्होंने देश के लिए इतना बहुत कुछ किया, उन्होंने देश की बेटियों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा किया। खुशी की मां आरती का कहना है कि ग्वालियर में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान उनसे भेंट करने का प्रयास किया लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। परिवार को उम्मीद है कि बेटी खुशी की पेंटिंग एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जरूर पहुंचेगी। जी, मैंने प्रयास किया था जब आए थे नरेंद्र मोदी ग्वालियर में, तब मैंने बहुत प्रयास किया था बट वो हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ।
ना। हाँ बट मुझे उम्मीद है कि हमारी बेटी की पेंटिंग जरूर मोदी जी तक जाएगी। खुशी ने एक बात साबित कर दी कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हों तो काबिल बनने में शारीरिक कमजोरियां कभी आड़े नहीं आ सकती। खुशी ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण है जो कुछ करने के बजाय अपनी किस्मत का रोना रोते रहते हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज 18। और अब खबर जबलपुर से, जहां हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। अब जिले में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट यानी कि HSRP लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल 2019 के पहले खरीदी गई गाड़ियों पर HSRP लगाना अनिवार्य है और अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएंगे कि आखिर HSRP प्लेट में क्या होता है जो इसके लिए जरूरी है। तो क्या होती है HSRP प्लेट? HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। एल्यूमिनियम की बनी ये प्लेट होती है, बाईं ओर ऊपर एक होलोग्राम लगा होता है, ये आपने देखा भी होगा। इसमें गाड़ी की पूरी जानकारी होती है, सुरक्षा के लिए यूनिक लेजर कोड रहता है। इसके अलावा हर वाहन के लिए अलग अलग कोड होता है जिस कोड को आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता। नए के साथ साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर भी लगाना ये जरूरी होता है। ये बात हुई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कि ये जरूरी क्यों है। अगर बात आप इस प्लेट को नहीं लगाते हैं तब क्या होगा इसकी करें तो आपको बताते हैं क्या होगा। अगर आप प्लेट नहीं लगाते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है, आपका चालान कट सकता है और वो भी भारी भरकम। तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये बहुत जरूरी है कि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं। 1 अप्रैल 2019 के बाद से प्लेट जरूरी है, प्लेट नहीं लगी होने पर चालान कटेगा। और पहली दफा अगर आप पकड़े जाते हैं कि आपके गाड़ी में इस तरह की प्लेट नहीं होती है तो 5,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। और दूसरी बार भी अगर ऐसा करते आप पकड़ाए तो फिर 5 का 10 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हो जाएगा, चालान 10,000 रुपए का कट जाएगा। और तीसरी बार में भी तो आपकी गाड़ी को ही जब्त कर लिया जाएगा। और HSRP के लिए आप अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप ऐसा कहते हैं, ये एक्सक्यूज देते हैं या सच भी ऐसा होता है तो आपको इसके लिए बुकिंग रसीद दिखाने पर चालान आपका नहीं लगेगा। लेकिन बुकिंग रसीद तो आपको दिखानी ही पड़ेगी। दुनिया भर की बात कर लेते हैं जिसमें होली का पर्व जहां पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, तो होली के बाद इंदौर में रंग पंचमी पर आयोजित होने वाली गेर शहर की परंपरा का गौरवशाली हिस्सा बन चुकी है। बीते 75 सालों से निकाली जा रही गेर इस साल भी अपने पूरे हर्षोल्लास और गरिमा पूर्ण तरीके से निकाली जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।